गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास. दिस इज़ द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 6. सो स्टूडेंट, जो अभी तक हमने चैप्टर 2 के एक्सरसाइज डन किए हैं, 1 से लेकर के जितनी भी थी, तो उन सब का यहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है. उन सब का क्या है मतलब, यहाँ पर सबको यहाँ पे असेंबल किया हुआ है, एक एक क्वेश्चन हर जगह से दिया हुआ है. और ये बहुत ही इजी है, इसलिए मैं इसको आपको नहीं कराऊंगी. इसको आपको क्या करना है, सेल्फ डन करना है. ठीक है, सो नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ प्लेइंग विद नंबर्स. तो यू ऑल नो व्हाट इज़ नंबर. मैंने आपको बता दिया होल नंबर क्या होता है, 0 to infinite, दैट इज़ होल नंबर. एंड नेचुरल नंबर, दैट इज़ 1 to without 0, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर. नाउ दैट इज़ 2 टर्म्स आर हेयर, दैट इज़ मै फैक्टर एंड मल्टीपल. ठीक है, दे आर नियरली रिलेटेड टू ईच अदर. सो वॉट इज़ फैक्टर एंड वॉट इज़ मल्टीप्लीकेशन. जैसे यहाँ पर आपको देखना है, मान लीजिए आपने 12 लिखा, ठीक है, और यहाँ पर 12. अब आपको यहाँ पर एक फैक्टर समझना है और एक क्या समझना है, मल्टीपल समझना. फैक्टर का मतलब होता है जो भी डिजिट या जो भी नंबर दिया गया है वो जो है किससे पूरी पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. देखिए, सबसे पहली बात तो होती कि वो डिजिट जिससे वो होता है, 1 सबसे डिवाइडेड होता है, और लास्ट में वो डिजिट, वही डिजिट जिस जो नंबर है. ठीक है, ये 2 तो हो गए. अब इनके बीच में आपको क्या करना है, देखना है. तो 12 जो है 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होगा, हाँ होता है, 3 से डिवाइड होगा, हाँ होता है, 4 से डिवाइड होगा, होगा, 5 से होगा, नहीं होगा, 6 से होगा, होता है, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 भी नहीं, नॉनलेस 12 वगैरह. तो जो जिससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए उन्हें क्या कहते हैं, फैक्टर. यानी कि 1, 2, 3, 4, 6 and 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, है ना, इसके फैक्टर्स हैं. अब जब आप मल्टीपल करेंगे तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो भी डिजिट दी हुई है उसको उसके नेचुरल नंबर से 1 by 1 क्या करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ. इसका मतलब सीधा सीधा क्या होता है, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो दैट इज़ आप उसकी क्या टेबल कर दीजिए. यानी कि 12 1 12 24 36 सो ऑन. ठीक है, इस तरह से आप करते रहिए. यानी कि फैक्टर्स क्या होता है, जिससे डिवाइड हो सके, और मल्टीपल क्या होता है, उसका मल्टीप्लाई करना. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फैक्टर क्या हुआ, अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर. ठीक है, मैंने आपको भी क्या बताया कि जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, जो नंबर दिया हुआ वो एग्जैक्टली क्या हो, डिवाइडेड हो. कुछ प्रॉपर्टी है फैक्टर्स नंबर की, जैसे 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. आपको पता है कि 1 सबसे डिवाइजेबल होता है. ठीक है, अ नंबर इज़ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. मैंने फिर बताया कि अगर कोई नंबर है x तो वो 1 से भी डिवाइड होगा, और वो नंबर x सेल्फ से डिवाइड होगा. अब ये x कुछ भी होता है, 1 to infinite कुछ भी हो सकता है. ठीक है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ आइदर लेस देन और एट द मोस्ट इक्वल टू द नंबर. जो भी फैक्टर होगा वो या तो उससे कम होगा या लगभग उसके क्या होगा, इक्वल पे होगा. द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इज़ 1 एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर द नंबर इट्सेल्फ. यानी सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा कौन सा नंबर का फैक्टर होगा, वो नंबर खुद अपने आप में. ठीक है, इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइड बाई एनी ऑफ इट्स फैक्टर द रिमाइंडर इज़ ऑलवेज 0. क्योंकि उसको क्या कम्प्लीटली डिवाइड करना, तभी तो वो फैक्टर हुआ. तो हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर्स ऑफ फैक्टर ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट. हमेशा वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए. ठीक है, अ नंबर इज़ कॉल्ड परफेक्ट नंबर इट इज़ इफ़ इट इज़ यू इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स. ठीक है, तो क्या कहेंगे उसे, अगर उनके सारे फैक्टर्स को इंक्लूड प्लस कर दिया जाए तो अगर हमें वो नंबर मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ गया मल्टीपल. अब मल्टीपल इज़ अ नंबर इज़ नंबर ऑप्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट्स बाय नेचुरल नंबर. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी नंबर है उसे क्या करना है, नेचुरल नंबर से, यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है इन्फाइनाइट तक, उससे क्या करते जाएँ, 1 by 1 मल्टीप्लाई करते जाएँ. ठीक है, वहाँ डिवीज़न है, वो डिवाइड होना चाहिए, यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई. ठीक है, डोंट कन्फ्यूज़ हियर. तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये फैक्टर्स हैं और मल्टीपल है. तो ये जो 2 टॉपिक्स आपने आज समझे हैं, इसको आप क्या करेंगे,
उसकी प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको क्या करूँगी, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को डन करेंगे. ओके.